जांजगीर से। जांजगीर जिले के चांपा थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार स्थानीय पुलिस के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दुपहिया एवं चार पहिया वाहन पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि चांपा एसडीओपी पद्मश्री तंवर के निर्देश पर टीआई मनीष परिहार और उनकी टीम के द्वारा नगर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सड़क पर बेतरकीब ढंग से खड़े वाहनों के साथ दुपहिया वाहन चालकों पर जांच अभियान चलाते हुए वाहन की दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही दस्तावेजों पर कमी पाए जाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर जुर्माने की राशि भी उनसे वसूली जा रही है। इसके अलावा नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने गलत तरीके से खड़े वाहन जिसके मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। ये शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जितने भी रोड के किनारे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं उन पे चलानी कार्यवाही की जा रही है अभियान चलाकर। साथ ही जो प्रतिष्ठान हैं, जो दुकानें हैं, उनके संचालकों को भी ये हिदायत दी जा रही है कि जो सड़क के किनारे जो लाइन रहती है उसके दूसरी तरफ ही वो वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ी कराएं और अपने जो ग्राहक हैं उनके वाहनों को व्यवस्थित कराने की जिम्मेदारी उनकी भी है। समझाइश और चलानी कार्यवाही तरीके से दोनों प्रकार की कार्रवाई करके यातायात व्यवस्था को